हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब टॉक। आज जिस वेब सीरीज का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है अवरोध द सीज विद इन। अवरोध बेस्ड है 2016 के उरी अटैक्स के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर। इससे रिलेटेड मूवी हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो पिछले साल रिलीज हुई थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन ये वेब सीरीज उससे जुदा है क्योंकि उसमें हमने देखा था सिर्फ ऑन द ग्राउंड एक्शन, लेकिन इस सीरीज को इतना डिटेल बनाया गया है कि आपको इसके बैकग्राउंड की भी सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे वो अटैक प्लान हुआ था, किस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई थी और किस तरीके से हमारे फौजियों की ट्रेनिंग तक का भी बयान इसमें किया गया है। इतनी डिटेल्स इस वेब सीरीज में इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड है उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रिलीज हुई बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस पे, जहां पे पूरी डिटेल दी गई थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक की। तो आइए रिव्यू करते हैं अवरोध द सीज विद इन को। तो दोस्तों, जहां रफाल फाइटर जेट्स ने इंडिया में टचडाउन किया, वहीं इंडियंस का जोश सातवें आसमान पर है और इसी समय रिलीज हो रही है मूवी अवरोध द सीज विद इन। अवरोध का प्लॉट है 2016 में हुई उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स पर। वैसे इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी रिलीज हो चुकी है और उसने अच्छा खासा व्यूअर्स को अर्न किया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी से अलग इस सीरीज में क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है कि उरी पर अटैक कैसे हुए और उसके बाद इंडियन आर्मी ने कैसे डिसीजंस लिए और कैसे स्ट्रैटेजी बनाई सर्जिकल स्ट्राइक्स की। सीरीज का मेजर फोकस है मेजर विदीप सिंह और उनका पूरा मूवमेंट जो आतंकियों के सरगना अबू हफीज को मिटाने के लिए उन्होंने किया है। लीड रोल में है अमित साध मेजर विदीप के, जिनकी इस महीने की ये तीसरी रिलीज है और इस सीरीज में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा और किसी करेक्टर की डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया गया है और सभी नए जैसे लगते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातों की। इस सीरीज को बहुत ही बारीकी के साथ डायरेक्ट किया गया है, तो कहीं भी आपको सीन्स हाथ से फिसलते नजर नहीं आएंगे। एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है क्योंकि ये सीरीज एक बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस के ऊपर बेस्ड है, उसी वजह से डिटेलिंग बहुत अच्छी की गई है। कुछ सीन्स आपको काफी जोश दिलाएंगे पर बहुत ज्यादा एनर्जी डायलॉग्स में नहीं डाली गई है। अब बात करते हैं अवरोध के नेगेटिव्स की। किसी भी सीरीज को बुक से पर्दे पर उतारने में आप जहां डिटेल के पीछे जाते हैं, वहीं इमोशनल स्टोरी टेलिंग एक बहुत जरूरी हथियार है ऑडियंस को एंगेज करने का। अवरोध इसमें बहुत पीछे रह जाती है। जैसे उरी मूवी में आप कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ जुड़ गए थे, वैसा इस सीरीज में कुछ नहीं है। ये सीरीज एक डिटेल्ड मिलिट्री मिशन की स्टोरी है। सीरीज का फोकस ऑडियंस से कनेक्ट करने से ज्यादा आर्मी पर है, जिस वजह से ये सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लगती है और आपको कोई सस्पेंस ट्विस्ट या टर्न प्रॉपर मिशन की तरह ही दिखते हैं, अलग से नहीं आते। सीरीज में मिलिट्री ट्रेनिंग, ड्रिल्स, आर्मी सिचुएशंस जैसे बहुत कुछ दिखाया गया है जो डिटेल में है पर कनेक्टिंग नहीं है। तो जहां आप उरी मूवी में हाउ इज द जोश पे खड़े हो जाते थे, वैसा सीरीज में स्ट्रेंथ नहीं है। सीरीज में थ्योरी बहुत ज्यादा है पर मिशन की एग्जीक्यूशन कम है। तो अगर बात करें सीरीज के पॉजिटिव्स की, तो सिनेमेटोग्राफी और डिटेलिंग बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा वार सीन्स की बजाय उनके पॉलिटिकल इश्यूज या डिप्लोमेटिक इश्यूज को ज्यादा फोकस किया गया है। नेगेटिव्स में आएगा इमोशनलेस स्टोरी टेलिंग, पुअर कैरेक्टर फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्री लाइक ट्रीटमेंट। अगर आप फास्ट पेस सीरीज पसंद करते हैं तो ये सीरीज थोड़ी स्लो चलेगी और आपको पेशेंस के साथ देखनी पड़ेगी। इंडिया में जहां जोश अभी हाई है, एक बार इसे देखा जा सकता है पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इस सीरीज को देखने नहीं बैठिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपको बताएंगे आप इसको कहां और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को क्योंकि हम लोग आपके लिए सारी वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यूज लाते रहते हैं। अंटिल वी कम बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।